ये बच्चे कंपटीशन में नहीं है, लेकिन आपने देखा ही है कि कितने जोश खरोश के साथ इन्होंने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया था। तो ये जोश खरोश भी हमें आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखने को मिला है। भारत की इन प्रतिभाओं का, भारत के भविष्य का आज मंगलम जन कल्याण समिति और सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सम्मान किया जाएगा। इससे पहले कि इन्हें सम्मानित किया जाए, हमारे बीच में अति सम्मानित एवं वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से संबंधित रघुनाथ मंदिर के सेक्रेटरी, और इनके बारे में कहूं तो मेरा ख्याल आधा घंटा और लग जाएगा, श्री एच एल जिगेरा, मैं उन्हें कहूंगा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने कंठ की मधुर समिति के अध्यक्ष मोहन कटारिया और सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एम एल अनवानी साहब, उनके प्रयास से आज आप ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसमें कि हमारे भारत के लोगों ने तन और मन और जान की बाजी इसमें लगा दी। मैं ये समझता हूँ कि ये आपको बताना आवश्यक है कि 26 जनवरी क्यों। इसके पीछे इतिहास है कि 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसकी प्रधानता की थी और उसमें ये प्रस्ताव पास किया था कि हम 1929 के बाद 26 जनवरी हर साल पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे। ज्यादा इस इतिहास को ना बताता हुआ, समय का अभाव है, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय हमारे सम्मुख, हमारे नेताओं के सम्मुख बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या ये थी कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, उनको बसाना, और दूसरा सवाल था कि अब ये देश कैसे चलेगा। उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसके प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके प्रधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वानी जी, गेरा जी का, खेरा जी का सम्मान इस तुच्छ भेंट द्वारा करते हैं। अब मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि श्री भगवान दास जी, जो कि लाल सिंह मंदिर नेहरू नगर के कर्ता धरता हैं, वे किसी कारणवश आ नहीं पाए, तो उनकी कमेटी के, अब उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपनी कमेटी के मेंबर को भेजा है, कृपया वे मंच पे आए। अब श्री भगवान दास जी का स्वागत एक तुच्छ भेंट द्वारा श्री अनवानी जी करेंगे। अब मैं श्री प्रेम भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से इन बच्चों को तुच्छ भेंट से प्रोत्साहित करें। कृपया इन बच्चों का जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लक्ष्य 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 लक्ष्य
नहीं 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 खालसा अब खालसा स्कूल के बच्चे प्रेम भाटिया जी आपको भी थोड़ा सा और हम कष्ट देंगे आप इन बच्चों को अपने आशीर्वाद से महरूम मत रखिए ना कृपया इन बच्चों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन बच्चों ने आज कमाल के नृत्य का प्रदर्शन किया है ये है भारत का भविष्य जिस देश में ऐसे उत्साही कर्मठ बच्चे हैं उस देश का भविष्य क्या होगा ये आप समझ सकते हैं नमन जी अब मैं किरणजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन बच्चों को पता नहीं कितने दिन से कितनी मेहनत से उन्होंने तैयार किया होगा ये आप सोच सकते हैं कोई बच्चा कहाँ रहता है कोई कहाँ रहता है कोई किस क्लास में पढ़ता है कोई किस क्लास में पढ़ता है इन सबको इकट्ठा करना पढ़ाई लिखाई इसके अलावा ये वाला काम कराना इनकी तैयारी कराना कितना कठिन कार्य होगा किया तो इन बच्चों ने है लेकिन पीछे रहकर जो आज इन्होंने किया इसकी मेहनत का श्रेय जिसको जाता है वो श्रीमती किशन किरणजीत जी को जाता है मैं प्रेम जी से निवेदन करूंगा कि किरण जी को सम्मानित करें एक अतिरिक्त बहुत लोगों के नाम भी लिए गए बहुतों का सम्मान भी किया गया कईयों ने आगे बढ़ चढ़ के अपनी शक्लें दिखाई सब कुछ किया लेकिन मैं आपके सामने दो ऐसे लोगों को भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि हमेशा काम करते रहते हैं लेकिन मैं दो ऐसी शख्सियतों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो कि हमेशा बढ़ चढ़ के काम करती हैं लेकिन कभी आगे नहीं आते उनमें सबसे पहले श्री सुभाष जी अलग मोहन कटारी जी से निवेदन करूंगा कि इनका स्वागत करें मोहन कटारी ये हमेशा पीछे रहकर कार्य करते हैं